अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक लेस डिज़ाइन बनाएंगे जिसमें मैंने यहाँ पर कॉटन थ्रेड में कुछ बीड्स डाल दिए हैं और धागे में मोती कैसे डालना है इस पर मैंने फुल ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर किया है, सो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने छोटी साइज़ के बीड्स डाले हैं और नीडल मैंने यहाँ ली है 7 नंबर 0.95 mm की। ये आपको लोकल स्टोर में मिल जाएगी मार्केट में, और ये मैंने प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से लिया है। ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट लेंगे। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अब इस तरीके से स्लिप नट लेने के बाद हम कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमें नीडल डालनी है, धागा लेते हुए बाहर आना है और दोनों धागों में से बाहर आ जाना है। अब हमने लेनी है 5 चेन, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेकर हम जहाँ पर ये झुक रहा है वहाँ पर, ना बहुत ज़्यादा नज़दीक ना बहुत ज़्यादा दूर, बराबर जहाँ ख़त्म हो रहा है उस लेवल में हमने अटैच कर लेना है। फिर हम लेंगे 5 चेन, फिर बराबर इसी तरीके से एक और अटैच कर लेंगे। अब हमने लेनी है 3 चेन, 1 2 एंड 3। 3 चेन लेकर टर्न लेंगे और बैक साइड से ये जो फर्स्ट कैप आएगा इसमें हम लेंगे डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। 11 टाइम्स हमने डबल क्रोचेट इस गैप में ले लिया, और यहाँ पर स्टार्ट में हमने जो 3 चेन ली थी वो भी एज अ डबल क्रोचेट ही काम करेंगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 चेन लेनी है और इस 5 चेन वाले गैप में अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद हमने यहाँ पर अब टर्न लेना है, 1 चेन लेकर पहले 1 चेन लेंगे फिर टर्न ले लेंगे। अब जो यहाँ पर ये आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये जो गैप्स दिख रहे हैं डबल क्रोचेट के, इसमें हमने 1 टाइम डबल क्रोचेट लेना है। इस तरीके से 1 टाइम डबल क्रोचेट लेने के बाद अब हम यहाँ पर मोती पास करेंगे। सिंगल एक मोती पास करना है और यहाँ पर हमें इसे नीडल के नीचे ऐसे पकड़ना है, फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके इस धागे में से हम धागा लेकर बाहर आ जाएंगे। तो ये मोती यहाँ पर लॉक हो गया, अब ये बैक साइड में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट ले लेंगे। इस तरीके से फिर एक मोती लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम अटैच करेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट ले लेंगे। इस तरीके से फिर एक मोती पास करेंगे, फिर अटैच कर लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट ले लेंगे, फिर मोती पास करेंगे। ये धागा लेकर इस धागे में से बाहर आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट बना लेंगे। फिर मोती पास करेंगे, मोती अटैच करेंगे, नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट ले लेंगे। इस तरीके से
फिर मोती पास करके अटैच करेंगे, फिर वन टाइम डबल क्रोचेट ले लेंगे, फिर मोती पास करके अटैच करेंगे, वन टाइम डबल क्रोचेट ले लेंगे, मोती पास करेंगे और इसी तरीके से हम हर एक गैप में बनाते जाएंगे। टोटल हमें 12 टाइम्स बनाना है डबल क्रोचेट। और लास्ट में जो हमने 3 चैन ली थी उस पर भी हमें मोती पास करना है और अटैच कर लेना है। ये 3rd चैन के गैप में हम यहाँ पर अटैच कर दें। अब हमने लेना है 1 चैन और जहाँ पर ये एंड हो रहा है तो ऐसे अटैच कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, बिल्कुल एक लेवल पर आपने अटैच करना है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। बस आपने ऐसे ही कंटिन्यू फॉलो करना है। एक और मैं आपको बनाकर बताती हूँ। पहले आपने 5 चैन अटैच, 5 चैन अटैच दो बार ले लेना है, 5 चैन हमने लेनी, इसे हम अटैच कर लेंगे पहले वन टाइम, फिर 5 चैन, फिर सेकेंड टाइम अटैच कर लेंगे। अब 3 चैन लेकर हमने टर्न लेना है और गैप में हमने 11 टाइम्स सिंपली डबल क्रोचेट लेना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यस, अब हम नेक्स्ट गैप में अटैच करेंगे, फिर 1 चैन लेकर टर्न लेंगे और यहाँ पर हम फर्स्ट डबल क्रोचेट के गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट लेंगे, फिर एक मोती पास करेंगे, यहाँ पर मोती को अटैच कर लेंगे, बैक साइड में मोती को कर लेंगे और नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट बना लेंगे इस तरीके से। फिर मोती पास करेंगे, मोती को अटैच कर लेंगे, ऐसे लॉक कर लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट बना लेंगे इस तरीके से। फिर एक मोती पास करेंगे, मोती को अटैच कर लेंगे और ऐसे ही हमने इसे कंटिन्यू फॉलो करना है। आई होप कि आप लोगों को ये डिज़ाइन समझ में आई है। कोई भी डिफ़िकल्टी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या कमेंट सेक्शन में भी मैं दे दूँगी। आप वहाँ पर मुझे DM करके भी पूछ सकते हैं या कोई डिज़ाइन आपको सीखनी है तो वहाँ पर आप मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर क्लिक कर देना। और मेरे और भी YouTube चैनल्स हैं जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मेरे बेटे का भी YouTube चैनल है तो एक बार आप लोग ज़रूर से वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो बस आपने इसे कंटिन्यू ऐसे ही फॉलो करते जाना है। अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक, जो कि बिल्कुल फ्री है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी फ्री है। बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर अगर आप क्लिक करोगे तभी आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगी। बस इसी तरीके से आपने इसे बनाते जाना है। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो हमने स्टार्ट में 3 चैन लेकर हमने टर्न लिया था उसमें भी हमने 1 टाइम 3rd चैन के गैप में बना लेना है इस तरीके से यहाँ पर।
और फिर हम अटैच कर लेंगे। फिर नेक्स्ट राउंड के लिए हम 5 चैन लेकर टर्न ले लेंगे। सो ऐसे ही आपने इसे कंटिन्यू बनाते जाना है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आई है और डिज़ाइन अच्छी भी लगी है। सो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज़।